दोस्तों कोलैबोरेशन 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 आखिर हम लोग कोलैबोरेशन करेंगे कैसे तो जानेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं इन्वेंटर डाइक। तो मेरा नाम वेश, चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट इन पीस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कोलैबोरेशन आखिर करें कैसे। तो दोस्तों देखिए, आपको कोलैबोरेशन करने के लिए पहले लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको उनकी ईमेल आईडी पे, या अगर आप इंस्टाग्राम पे उन लोग डायरेक्ट मैसेजेस को एक्सेप्ट करते हैं और अगर उन लोग रिप्लाई देते तो आप उधर जाके उनको कर सकते, आप उनको मैसेज कर सकते, ईमेल कर सकते, या फिर आप कमेंट में उनसे पूछ सकते कि क्या आप मेरे साथ कोलैबोरेशन करोगे। तो इसकी वजह से आप कोलैबोरेशन कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अभी कोलैबोरेशन करें कैसे। फॉर एग्जांपल अभी कोलैबोरेशन तो आप सबको पता है, आपको कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करना है जो जिसमें आप भी अच्छे हो, आपको भी अच्छे से आता हो और सामने वालों को अच्छे से आता हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अमित कुकरेजा टेक के साथ एक कोलैबोरेशन किया था, फेस टू फेस कोलैबोरेशन था वो, और उसमें हम लोगों ने सैमसंग के अपडेट से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, जिसमें वो वीडियो पे हम लोग दोनों के थॉट्स एकदम अच्छे से मैच कर रहे थे और हम लोग को वो टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर था। तो हम लोग ने वो टॉपिक एकदम अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन किया ताकि हमको मेरे को भी थोड़ा फायदा हो और उनको भी थोड़ा फायदा हो। तो इसके लिए हम लोग को वो टॉपिक एकदम अच्छे से चल गया। तो इसके लिए अगर आपको कोलैबोरेशन करने का है तो पहले तो आपको टॉपिक देखने का कौन सा सेलेक्ट करने का, उसके बाद दूसरा देखने का है आपकी लेवल कितनी है। फॉर एग्जांपल आज मेरे 300 सब्सक्राइबर्स है तो मेरे साथ कोलैबोरेशन कौन करेगा। मेरे साथ कोलैबोरेशन कम से कम 1 लाख 2 लाख 4 लाख। फॉर एग्जांपल आज मेरे 300 सब्सक्राइबर्स है तो अमित कुकरेजा टेक के 2000 सब्सक्राइबर्स से ऊपर सब्सक्राइबर्स है तो वो मेरे साथ कोलैबोरेशन करेंगे। बिकॉज हम लोग के सब्सक्राइबर्स में इतना डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कुछ सब्सक्राइबर्स का डिफरेंस है। एंड हाँ, उनको तो मैं पर्सनली जानता था, तभी कोलैबोरेशन हो गया, आप तभी कोलैबोरेशन हो गया। बट एक और एक यूट्यूब चैनल है, द सिंपलर यूट्यूब चैनल, जिसको पहले मेक इट सिंपल यूट्यूब चैनल बोलते थे पर उन्होंने नाम चेंज कर दिया, द सिंपलर यूट्यूब चैनल, उनके साथ भी मैंने कोलैबोरेशन किया। उनको मैं जानता भी नहीं था, उनका से व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर था तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया और हम लोग की बात हो गई कि हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं। तो हम लोग ने ये डिसाइड किया कि जब भी उनके 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद मैं उनको एक अच्छी सी वीडियो बना के दूंगा। तो हम लोग ने उस वीडियो बनाई और उनको सेंड किया और उन्होंने अपने चैनल पे डाल दिया। तो ऐसे कोलैबोरेशन आप कर सकते हो। तो अगर फिर आपको सिर्फ ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक टॉपिक आपको कौन सा आप जिसमें अच्छे हो और दूसरा दोनों अच्छे हो, और दूसरा आपको इसमें ध्यान रखने का है कि आपकी लेवल देखनी है कि कितनी लेवल है, और तीसरा आपको जो सबसे मेन देखने का कि कभी भी खुद का फायदा नहीं देखिए, आपको खुद का फायदा कभी भी नहीं देखते। फॉर एग्जांपल मैंने आज सिंपलर को अपनी वीडियो शेयर की तो मैंने इसमें अपना फायदा नहीं देखा, मैंने उनका भी फायदा देखा। मैंने व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे उनका शेयर किया और शेयर करने से तो उनको भी थोड़ा सा कुछ फायदा हो गया। तो इसके लिए उनको भी ऐसे कुछ फायदा होना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ फायदा नहीं है आपको कोलैबोरेशन करने का। आप अपना खुद का फायदा नहीं देखिए, दूसरों का भी फायदा देखना चाहिए आपको अगर आप कोलैबोरेशन करते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं, मैंने अमित कुकरेजा टैग को भी इंस्टाग्राम और इसमें किया, टैग किया, और उसके बाद हम लोग ऐसे ऐसे आप उसका जो वीडियो थी वो प्रमोट किया तो इनकी वजह से उनको भी थोड़ा फायदा हुआ और मेरे को भी हुआ। तो आपको ऐसे ही कोलैबोरेशन अच्छे से करने का, आपको ये जरूरी नहीं है कि वो मैं उनके चैनल पे गया वो भी मेरे चैनल पे। एक्चुअली तो उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं हम लोग आपके चैनल पे मतलब नहीं भी आएंगे चलेगा, हमको ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप नहीं मतलब ऐसे नहीं है जो चलेगा तो आपको मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया और उनके चैनल पे गया और उनके चैनल पे जाके एक वीडियो बनाया और उसके बाद वो वीडियो अपलोड हो गई और मेरा कुछ फायदा होगा, उनका भी कुछ फायदा हुआ बिकॉज मैंने उनको इंस्टाग्राम पे ऐसे प्रमोट किया था। तो आपको ऐसे ही करने का, आपको ऐसे ही कोलैबोरेशन करने का, आपको ये तीन बातें हमेशा ध्यान में रखनी है, आपकी लेवल, आपको कौन किन के साथ कोलैब, आपको टॉपिक जो दोनों मैच करते हो, और तीसरा आपको जो देखने का है वो देखने का आपको कि आपको अपना फायदा नहीं देखने का, दोनों का फायदा देखने का। तो बस यही था कोलैबोरेशन कैसे करें। और अगर समझिए आपको टॉप टेक क्रिएटर्स को कांटेक्ट करना है तो कीजिए, बट कुछ फायदा नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप नहीं कीजिए, मैंने भी बहुत लोगों को सब किया था, आपको पता नहीं होगा जिनका भी मैंने अभी नाम लिया उन सबको कर चुका हूं बट अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। तो आपको भी रिप्लाई शायद से ही नहीं आएगा, बट आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ट्राई करने का ही है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, देखने आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यू ईयर से पहले 300 सब्सक्राइबर्स पहुंचा दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।